खराब है और सभी जल्दी से जल्दी जिनका जल बंद हो चुका है सेवा भारती की तरफ से, सेवा कार्यों में हमेशा से आप तत्पर है और आप नाम चेतन मीणा में लश्कर जिले से गोरखपुर मध्य भारत प्रांत मैं यात्रा में 9 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। यात्रा 9 साल से बिल्कुल हर साल की तरह भव्य स्वागत होता है, भव्य तरीके से प्रशासन मदद करता है पूरी। और जो इस जगह का पंडाल है, ये पंडाल की भोजन व्यवस्था वगैरह सारी व्यवस्था एक नंबर रहती है, बढ़िया चलती है सुचारू रूप से। यहाँ के लोगों में भी बहुत जोश है और कार्यकर्ताओं को इन लोगों को देख के बहुत उत्साह होता है। जो कार्यकर्ता आता है दिन पे दिन आपके लोगों के स्वागत की व्यवस्था देख के, भोजन व्यवस्था देख के संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है कार्यकर्ताओं की। सुरक्षा की व्यवस्था भी एक नंबर है, पुलिस प्रशासन यहाँ का जो प्रशासन है, आर्मी वाले हैं, CRPF है, सभी व्यवस्था बढ़िया करते हैं। मेरा नाम विक्रम पाल है और मैं डबरा ग्वालियर जिले डबरा से आया हूँ, जिला संयोजक हूँ। और बड़ा ही खुशी का दिन है, बड़ा ही पर्व है इस जम्मू की धरती पर। और मैं सभी के बजरंगी आयु है सभी का स्वागत हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। और यहाँ पे सभी खुशहाल है, बड़े बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है बजरंगी का। जय जय श्री राम, राजा रामचंद्र महाराज की जय। अब मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है भाई साहब, पहली बार आया हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। नौशहरा की धरती है, नौशहरा के अंदर आपको कैसा अत्यंत महसूस हुआ? मुझे यहाँ पे वास्तव में जो हिंद कटक से कटक लेकर जम्मू से कुआरी तक ऐसा लगा मुझे वास्तव में हिंद की धरती है और बहुत शानदार एकदम भगवान में और हिंदुत्व में पूरा भारत है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बड़ा जोश आया यहाँ पे सबको देखकर, यहाँ के बजरंगियों को देखकर, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश में और यहाँ पे भी जम्मू के सभी बजरंगियों ने, सभी विश्व हिंदू के कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोर शोर से स्वागत किया है, बड़ा सब जोर शोर से और बड़ा पुष्प से यहाँ पे पूरा भगवा में कर दिया है। जय जय श्री राम, बहुत जोश भरा है, बढ़िया। चौहान है, मैं राजकोट से आया हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ आके, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जब सभी जगह पे जो लंगर लगा है, बहुत सारी सेवाएं करते हैं और बहुत अच्छा खाना भी खिलाया, चाय पिलाया, सभी कुछ मिलता है, ऐसे बस आनंद करो। और बूढ़ा बाबा के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, अगली बार भी दूसरी बार भी आएंगे, उसका हुक्म हो जाएगा। तो आपका क्या नाम है?